हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता मिश्रा, अमृता मिश्रा डॉट कॉम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ पांच चीज़ें जो हम बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत बहुत काम आ सकती हैं। चलिए आए जानते हैं कि हमारे वो क्या काम आ सकती है। पहली है जो चाय की पत्ती, हम चाय बनाते हैं तो अक्सर हम चाय की पत्ती लेकर के फेंक देते हैं। ग्रीन टी तो क्या होता है, अक्सर हम उसमें तो केवल हम बॉइलिंग वाटर में डालते हैं, तो इसको तो आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही काम में यूज़ कर सकते हैं। अक्सर आपकी धूप में जो है चेहरा झुलस जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट लेकर के अपने चेहरे पर ऐसे रख देंगे, फ्रिज में रख दीजिए उसको, फिर अपने चेहरे पर लेकर के रख दीजिए, और तो आपका चेहरा जो है, जो झुलसा हुआ चेहरा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से भरी हुई रहती है चाय की पत्तियाँ, तो आपका चेहरा जो है वो जो सनबर्न हो गया था वो एकदम ठीक हो जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके ऊपर आप इसको डायरेक्ट रख सकते हैं। फिर अगर आप ये यूज़ करने के बाद आप इसकी पैकेट फाड़ दीजिए ग्रीन टी की, और उसको नेचुरल स्क्रबर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जब अंदर की चाय की पत्ती गीली हो तो सिंपली आप ले करके स्क्रब कर लीजिए अपना चेहरा, तो आपका चेहरा बहुत ही अच्छा साफ हो जाता है। उसके बाद भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं कि आप इसको बॉइलिंग वाटर में लेकर के उबाल दीजिए और उससे अपना बाल धुलिए, तो आप ये बहुत ही अच्छा कंडीशनर भी है। जो हम दूध, ये तो सिंपली जो आपने पानी में डाला था, तो आप इसको डायरेक्ट ही बहुत यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको दूध या चीनी कुछ लगा नहीं रहता है, तो आप इसको डायरेक्ट ही यूज़ कर सकते हैं। और जो चाय की पत्ती हम दूध वाली बनाते हैं चाय, तो उसको एक बार आप अच्छे से वॉश कर लीजिए चाय की पत्ती को, उसके बाद आप सेम उसका भी यूज़ कर सकते हैं। उसको आप वॉश करने के बाद 2 से 3 पानी, उसके बाद आप उसको बॉयल कर लीजिए, उस पानी से अपना बाल धुलिए, बहुत ही अच्छा हेयर कंडीशनर ये बन के हमारा तैयार हो जाता है। कभी जख्म हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये भी एंटीबैक्टीरियल और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो हल्का बहुत जो जख्म होता है उस पर भी ये काफ़ी कारगर होता है। कुछ लकड़ी के अगर फर्नीचर है तो उससे भी आप अगर चाय की पत्ती के पानी से इसको साफ करेंगे तो आपके लकड़ी के फर्नीचर में बहुत ही अच्छी चमक आ जाएगी। बट वो चाय की पत्ती को साफ, मैंने जैसे बार बार करें, साफ उसको धुल लीजिए अगर उसमें दूध या पानी लगा हो तो, दूध या चीनी हो तो। इस चाय की पत्ती को आप खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि समय समय पे हमारे जो घर में पौधे लगे रहते हैं उनको भी पोषण की ज़रूरत रहती है, तो ये बहुत चाय की पत्ती साफ धुल के, अगर दूध वाली चाय है तो आप उसको खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी खाद बन जाती है। सेकेंड टिप है, अक्सर हम घर में जब ब्रेड लाते हैं तो लास्ट की 2-3 ब्रेड अक्सर होता है कि वो बच जाती है, क्योंकि वो कड़ी हो जाती है तो उसको कोई खाना पसंद नहीं करता है, तो वो वेस्ट हो जाती है, तो उसको हमें वेस्ट नहीं करना है। अगर आपको ब्रेड क्रम्स की हमेशा ही ज़रूरत पड़ती है जब भी आप कोई स्नैक बनाते हैं, तो सिंपली आप उसको तवे पे लेके एक बार टोस्ट कर लीजिए। टोस्ट का मतलब है कि बिना तेल या घी लगाए उसको उलट पलट के 1 से 2 बार सेक लीजिए थोड़ा सा, आधे आधे मिनट के लिए, तो वो थोड़ी और कड़ी हो जाएगी। साइड्स आप चाहे तो निकाल दें अगर आपको एकदम वाइट कलर की चाहिए तो, और उसको मिक्सी में लेके पीस लीजिए, तो आपके ब्रेड क्रम्स तैयार हो गए, और उसको रख दीजिए एयर टाइट डिब्बे में, फ्रीजर में, तो आपकी ये ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाती है, और आपको जब भी ज़रूरत हो तो आपने घर में ही ब्रेड क्रम्स आपकी अवेलेबल होगी। तो ये जो ब्रेड कड़ी हो जाती है हम उसको फेंक देते हैं, तो उसको फेंकने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर पे ही उसका ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, क्योंकि जो ब्रेड क्रम्स के लिए हमें थोड़ी कड़ी ब्रेड की चाहिए रहती है ज़रूरत, तो वो कड़ी ब्रेड हमारे काम में आ जाती है। तीसरी टिप है, गर्मियों में अक्सर हम नींबू का बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, तो जो ये नींबू के छिलके होते हैं उसको हम लेके फेंक देते हैं, बट आपको ये पता है कि इससे 5 से 10 गुना ज़्यादा इसमें विटामिन सी होता है इसके छिलकों में, जिसका हम अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली जब भी हम नींबू को, हमें जब भी इसका रस निकालना रहता है तो उसको खूब अच्छे से पहले साफ कर लें, रस निकाल लें, और उसके बाद 2-3, जैसे ये 2 है मेरे पास, तो 3-4 अगर आपके पास हो तो बहुत ही अच्छा है। 1 लीटर पानी में उसको 10 मिनट के लिए उबाल लें, और उसके बाद वो पानी अगर आप पियेंगे तो उसमें एक पेक्टिन नाम का तत्व होता है इनके छिलकों में, जिससे वजन बहुत ही तेज़ी के साथ कम होता है, जो बेली फैट होता है। ये थोड़ा कड़वा तो लगेगा इसका पानी, क्योंकि इसके छिलके की वजह से, बट उसी से वजन भी बहुत तेज़ी से जाता है, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और ये हमें कोल्ड कफ से भी बचाता है, क्योंकि इसमें, जैसा कि मैंने बताया, इसके छिलकों में विटामिन सी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, 10 गुना ज़्यादा होती है, और ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आप इसको 10 मिनट के लिए पानी में उबाल लीजिए इसके छिलकों को, उसके बाद उस पानी को दिन भर में आप पीते रहिए, तो बहुत ही फायदा करता है आपके एक्सेस फैट को निकालने में। बट हाँ, वो थोड़ा सा कड़वा लगेगा पानी, बट धीरे धीरे आपकी आदत पड़ जाएगी और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। और ये जो छिलके हैं, सिंपली लेकर के फिर उसके बाद इसको पलट के, इसका दूसरा यूज़ है, लेके स्किन पे रब कर दीजिए, तो सन टैन है या कोई भी दाग धब्बे हैं वो भी निकल जाता है, जैसा कि वो, तो आपको काफ़ी लोग को ये चीज़ पता होगा,
और जो चिकने बर्तन होते हैं, जो तावा होता है, तावा अगर आपको चमकाना है हल्का सा तावा गर्म करके इन छिलकों को लेकर के इसी साइड से उसको लेकर रगड़ दीजिए तो आपके तावे चमक जाएंगे। जो अल्यूमिनियम के बर्तन होते हैं वो भी एकदम अच्छे से चमक जाएंगे, यही इस विटामिन सी की वजह से, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है ये जो छिलकों की तरफ इसमें पाया जाता है। तो इसको भी वेस्ट समझ के आप कभी भी ना फेंकें। चौथा जो इंग्रेडिएंट है वो है केले के छिलके। जो केले के छिलके के ये जो पीछे का साइड है, ये जो फ्लैशी पार्ट है, ये बहुत ही फायदे का होता है। इसमें भी सेम वही नींबू वाला केस है कि इसमें भी बहुत ही हाई अमाउंट में केले से ज़्यादा इनके छिलकों में विटामिन मिनरल के तत्व पाए जाते हैं। ये हमारी स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। अगर आपको कहीं कीड़े मकोड़े ने काट लिया हो तो उस पर लेके सिंपली रगड़ लीजिए तो आपकी जो कीड़े मकोड़े की जो जलन है उसको काटने की वजह से वो शांत हो जाती है। जो सन बर्न की वजह से जो इचिंग होती है उसमें बहुत ही आराम मिलता है, और जो सन बर्न से जो आपकी त्वचा झुलस जाती है उसमें भी बहुत ही फायदा मिलता है। दांत अगर आपको चमकाने हैं तो बस सिंपली लेके अपने दांतों पे रगड़ लीजिए, आप देखिएगा एक हफ्ते में कैसे आपके दांत चमकने लगेंगे, क्योंकि इसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज की बहुत ही हाई अमाउंट में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दांत चमका देती है। सेम केस यही होता है कि हम स्किन पे भी लेके अगर इसको रगड़ेंगे तो ये क्लीनर का, बहुत ही अच्छा क्लीनर का काम करता है, फेस क्लीनर का काम करता है। तो हमारी जो स्किन होती है जैसा जो सोप काम करता है, बट वो नेचुरल वे में ये काम करता है छिलका, तो कोई नुकसान भी नहीं होता। आपकी स्किन आप यूज़ करिए और फिर देखिए कि आपकी स्किन में बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होने लगता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फायदे का होता है। धूप से तो सन टैनिंग के लिए तो एकदम रामबाण इलाज है ये इसका जो छिलका है। सो फ्रेंड्स, आप भी इसको ज़रूर यूज़ करिएगा, इसके छिलके को तो एकदम भी वेस्ट समझ के मत फेंकिएगा। इसमें क्योंकि क्लीनिंग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है तो जो जूते होते हैं वो भी बहुत ही अच्छे से चमक जाते हैं। जो ब्लैक कलर के चमड़े वाले जो जूते होते हैं उस पर आप लेके सिंपली रगड़िए तो आपके जूतों में बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है। पांचवी जो टिप है वो है तरबूज के बारे में। तरबूज जब भी हम खाते हैं तो लाल वाला पार्ट खा लेते हैं, जो वाइट भाग है, जो वाइट गूदा रहता है ये इसका हम लेकर के फेंक देते हैं। ये भी बहुत ही काम का होता है, इसको आप डायरेक्ट लेके फ्रिज में रख दीजिए, और जैसा कि क्योंकि आजकल गर्मियाँ बहुत है तो ये जो इसका ये भाग होता है सन टैन में, ये भी बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। आपके हाथ पैर में जिसके जलन हो रही हो, पंजे में जलन होती है, पैर के तलवे में जलन होती है, हाथ में, तो फ्रिज में रख दीजिए और सिंपली लेके रगड़िएगा तो आपकी जलन जो है बहुत ही अच्छी शांत हो जाती है। गर्मियों के लिए तो बहुत ही रामबाण इलाज है। और अगर आपके सर में भी इचिंग होती है तो सर में भी आप लेकर के इसको रगड़ सकते हैं, तो उससे भी इचिंग जो है और डैंड्रफ जो है काफ़ी हद तक आपका दूर हो जाता है। और ये जो सफ़ेद भाग है आप इसको लेकर के सिंपली आप लेकर के स्क्रेप करके निकाल देंगे, ऐसे ही चाकू से लेकर इसका छिलका हटा दीजिए, जो वाइट भाग है और इसको आप धुल लीजिए और फिर कद्दूकस से कस लीजिए, और 2 से 3 मिनट आधी चम्मच घी डाल के इसको फ्राई कर लीजिए कसने के बाद। और उसके बाद जैसे आप सिंपली लौकी का रायता बनाते हैं, सिंपली आप इसके छिलके का भी रायता बना सकते हैं। इसका हलवा भी, जैसे आप लौकी का हलवा बनाते हैं सेम वे में आप लौकी इसका भी हलवा बना सकते हैं। इसका जो वाइट पार्ट का रहता है वो भी खाने में बहुत ही स्वाद का होता है, तो ये भी बहुत ही फायदेमंद का होता है। जो इसका वाइट पार्ट हम लोग फेंक देते हैं ये भी बहुत ही फायदे का रहता है। अगर आपको ये मेरे 5 आइडियाज़ पसंद आए हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ओके, बाय।